हेलो फ्रेंड्स मैं आज फ्रैक्शनल नंबर्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो नंबर ऐसे लिखे जाते हैं उस नंबर्स को फ्रैक्शन कहा जाता है तो दो नंबर के बीच एक बार होता है बार के ऊपर जो नंबर रहता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं जो नीचे रहता है उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है जहाँ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डेनोमिनेटर उसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है जैसे यहाँ देखिए न्यूमरेटर थ्री है और डेनोमिनेटर टू है जिन फ्रैक्शन के सेम डेनोमिनेटर होते हैं उसको लाइक like फ्रैक्शन कहा जाता है जिन फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में वन होता है उसे यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है जो फ्रैक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे लिख सकते हैं उसको मिक्स नंबर कहा जाता है जनरली इमप्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डेनोमिनेटर इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है और मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है अभी थोड़ा इक्वेलन फ्रैक्शन कैसे निकालना है उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे जैसे मान लीजिए वन बाई टू है पूछा गया है इसके इक्वेलन फ्रैक्शन आप लिखिए तो आप सेम नंबर न्यूमरेटर और डेनोमेटर में मल्टीप्लाई कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम द डेनोमिनेटर जैसे वन बाई टू है तो डेनोमिनेटर में टू मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर भी टू मल्टीप्लाई कीजिए और ये बार को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए तो आंसर होता है टू बाई फोर ये नंबर फिर वन बाई टू है थ्री के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर होता है थ्री बाई सिक्स वन बाई टू है नीचे स्टार्टिंग नीचे से कीजिए ऊपर भी फोर मल्टीप्लाई कीजिए बार को एक्सटेंड कीजिए तो फोर बाई एट एंड सो ऑन ऐसे एट बाई सिक्सटीन आप चाहे किसी भी नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाने के लिए अगर नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा गया होगा यहां जैसे देखिए यहां जस्ट एग्जाम्पल दिया गया है अगर नेक्स्ट थ्री इक्वेलन फ्रैक्शन पूछा गया हो यहाँ देखिए जैसे टू बाई सिक्स है ये नेक्स्ट फोर बाई ट्वेल्व है यानी कि ऊपर और नीचे को टू से मल्टीप्लाई किया गया है तो फोर बाई ट्वेल्व आता है फिर थ्री से किया गया है तो सिक्स बाई एटीन यानी कि नेक्स्ट जो इक्वेलन फ्रैक्शन आएगा वो डेफिनेटली फोर से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो टू बाई सिक्स है इंटू फोर इंटू फोर तो ये होगा टू इंटू फोर एट बाई ट्वेंटी फ़ोर नेक्स्ट होगा इंटू फाइव से मल्टीप्लाई करने से टेन बाई थर्टी नेक्स्ट होगा टू बाई सिक्स है इंटू सिक्स इंटू सिक्स तो ट्वेल्व बाई थर्टी सिक्स तो नेक्स्ट इक्वेल फ्रैक्शन ये होंगे एट बाई ट्वेंटी फोर टेन बाई थर्टी और 12 बाई थर्टी आप चाहें तो ऐसे मेंटली भी कर सकते हैं ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए समझाई हूं ये नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए यहाँ 4 बाय ट्वेल्व कैसा है, सिक्स बाई टेन मैं एक्सप्लेन की हूं। और नेक्स्ट है फ्रैक्शन जो मैं समझाई बुक में उसको भी दिखाई हूँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वन बाय सेवन यहाँ पे टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है फिर यहाँ थ्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ है नेक्स्ट थ्री यानी कि वन बाय सेवन को फोर के साथ मल्टीप्लाई करके फाइव के साथ मल्टीप्लाई करके और सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग को ये आंसर मिले हैं बहुत न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर में हम लोग फोर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे सिमिलरली फाइव को न्यूमरेटर और डेनोमीटर में मल्टीप्लाई किए हैं और सिक्स को न्यूमरेटर और डेनोमीटर में भी मल्टीप्लाई किए हैं तो ये सारे आंसर्स हमको मिले हैं तो ये आंसर है वन बाई सेवन के इक्वेलेंट फ्रैक्शन नेक्स्ट थ्री इक्वेलेंट फ्रैक्शंस सिमिलरली फाइव बाई नाइन के नेक्स्ट थ्री इक्वेलेंट फ्रैक्शन यहाँ तीन दिए गए हैं तो नेक्स्ट थ्री ये तीन है ऐसे हम लोग डिराइव करते हैं पहले हमेशा इक्वैल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले डेनोमरेटर से स्टार्ट कीजिए फिर न्यूमरेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 इंटू फोर ट्वेंटी बाई नाइन इंटू फोर थर्टी सिमिलरली ये और ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये सारे मिक्स नंबर हैं इसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है ये बहुत ही ईजी है डेनोमीटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे ये देखिए थ्री वन बाई फाइव है तो मैं इसको थोड़ा इलाज की हूँ पहले हम लोग डेनोमीटर से स्टार्ट करें फाइव से फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन जो भी आंसर मिलेगा फिफ्टीन मिलता है उसमें हम लोग ये जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करेंगे तो पहले मल्टीप्लीकेशन फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन आंसर के साथ न्यूमरेटर का एडिशन 15 प्लस वन सिक्सटीन और डेनोमिनेटर को हम लोग सेम रखेंगे सिमिलरली यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7 इंटू फाइव थर्टी आंसर में न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 1 तो 35 फाइव प्लस वन थर्टी सिक्स बाय सेवन डेनोमिनेटर को हम लोग सेम रखेंगे यहाँ पे सिमिलरली यहाँ से थ्री इंटू थर्टी थ्री नाइन्टी नाइन आंसर में फिर वन को ऐड करेंगे नाइन्टी नाइन प्लस वन हंड्रेड डेनोमीटर को सेम रखेंगे थ्री यहाँ सिमिलर नाइन इंटू टू एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी बाई नाइन अगर आपको इस तरह याद रखने में मुश्किल होती है तो जैसे टू टू बाई नाइन है पहले नाइन डेनोमिनेटर को लिख दीजिए फिर ऐसे कीजिए नाइन इंटू टू एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी फिर न्यूमरेटर को लिखिए ये थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पहले हम लोग इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले डिवाइड करेंगे जैसे फिफ्टी डिवाइडेड बाय सेवन तो अगर आपको डिवीजन में किस नंबर को पहले लिखना है कन्फ्यूज़न होता है तो ये ट्रिक सीखिए जैसे 50 डिवाइडेड बाय 7 है तो पहले 50 लिखिए डिवीजन का सिंबल दीजिए फिर सेवन लिखिए ऐसे आप कभी गलती नहीं करेंगे तो सेवन सेवन या फोर्टी माइनस करेंगे वन रिमाइंडर आता है अभी इसको कैसे लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सेवन फिफ्टी बाई सेवन इक्वल टू सेवन पहले लिखेंगे फिर यहाँ आएंगे वन में वन को न्यूमरेटर में लिखेंगे बार का सिंबल देंगे फिर यहाँ जाएंगे सेवन वन बाई सेवन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इलेवन बाई नाइन है इलेवन डिवाइडेड बाई नाइन ऐसे लिखे इलेवन डिवाइडेड बाई नाइन तो नाइन वन या नाइन माइनस केन से टू यहाँ से फिर आंसर स्टार्ट करेंगे वन टू बाट देंगे फिर नाइन ऐसे आंसर लिखेंगे तो आंसर है वन टू बाई नाइन इसको तो क्लियरली लिखते हैं वन टू बाई नाइन नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री बाई एट ऐसे डिवाइड करने से ये ऐसे आता है तो टू से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे टू पहले फिर सेवन सेवन बार देंगे फिर एट नेक्स्ट ये है सेवेंटी एट बाई सेवेंटीन डिवाइड कैसे ऐसे आता है तो फोर से स्टार्ट करेंगे फोर फिर टेन बार फिर 17 ऐसे लिखेंगे अब ये रिव्यू एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक से जो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाई थी उसके ऊपर बेस्ड है तो ये ऐसे लाइक फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नेक्स्ट ऐसे है तो एट बाई नाइन का इक्वेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ देखे यहाँ ये एट बाई नाइन है नीचे यहाँ पे 72 है यानी कि 9 के साथ अगर हम लोग 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है तो डेनोमिनेटर में जैसे 8 मल्टीप्लाई हुआ सिमिलरली न्यूमरेटर में भी हम लोगों को 8 मल्टीप्लाई करना है नहीं तो फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा इसीलिए ऊपर में 8 मल्टीप्लाई करने से 64 आता है सो so, 9 बाई एट इज इक्वैलन टू 64 फोर बाय सेवेंटी तो इसका आंसर 64 है ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज खत्म होता है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट वन के क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू